नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रश्मि। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले से बेहद चौंकाने वाली खबर सामने आई है। बता दें कि एक महिला बंध्याकरण के बाद भी गर्भवती हो जाती है, जिसके बाद कोर्ट में उसकी तरफ से परिवाद दायर किया जाता है। आपको बता दें कि इस परिवाद के बाद स्वास्थ्य विभाग एक्शन में आ गया और स्वास्थ्य सचिव को नोटिस भी जारी कर दिया गया है। तो ये बड़ी जो गड़बड़ी की खबर है वो इस वक्त बिहार के मुजफ्फरपुर से सामने आई है, जहां पर बंध्याकरण के बाद भी जो महिला है वो गर्भवती हो जाती है। बता दें कि ये पहला ऐसा मामला नहीं है, इससे पहले भी कई बार बिहार से इस तरह की जो खबरें हैं वो सामने आ चुकी है। बंध्याकरण के बाद भी जो महिलाएं हैं वो गर्भवती हो जाती हैं, और यही वजह है कि इस बार स्वास्थ्य विभाग एक्शन में नजर आया और स्वास्थ्य सचिव को नोटिस भेज दिया गया है। आपको बताएं कि मुजफ्फरपुर जिले से एक बेहद चौंकाने वाली खबर सामने आई है। यहां सदर अस्पताल में बंध्याकरण में विफल होने को लेकर जिला उपभोक्ता आयोग ने प्रदेश के स्वास्थ्य सचिव को नोटिस जारी किया है। नोटिस में आयोग ने स्वास्थ्य सचिव को 30 दिन में अपना जवाब देने का निर्देश दिया है। मोतिहारी थाना क्षेत्र के महना गांव निवासी फुलकुमारी देवी वर्ष 2019 में बंध्याकरण हेतु ऑपरेशन स्थानीय मोतीपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में करवाई थी। बंध्याकरण के 2 वर्ष बाद महिला फिर से गर्भवती हो गई। उसके बाद परिजनों ने उसे स्थानीय मोतीपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में ले जाकर जांच करवाया। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र द्वारा उक्त महिला का अल्ट्रासाउंड कराया गया। अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में महिला के गर्भवती होने की पुष्टि हुई। उसके बाद प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मोतीपुर के चिकित्सकों के बीच हड़कंप मच गई। विदित हो कि महिला ने बंध्याकरण ऑपरेशन के बाद एक पुत्र को जन्म दिया, जबकि महिला को पहले से ही 4 बच्चे थे। महिला काफी गरीब परिवार से ताल्लुकात रखती है, जिस कारण महिला के परिजन बच्चों के भविष्य को लेकर काफी हताश व निराश नजर आए। उसके बाद महिला ने कोर्ट का रुख अपनाया और अपने बच्चे के भविष्य व पालन पोषण के लिए स्वास्थ्य विभाग कर 11 लाख रुपए मुआवजे के लिए जिला उपभोक्ता आयोग में परिवाद दर्ज की। मामले के संबंध में मानवाधिकारी अधिवक्ता एसके झा ने बताया कि पूरे देश में जनसंख्या नियंत्रण के लिए सरकार द्वारा जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है और बंध्याकरण करने वाली महिलाओं को प्रोत्साहन राशि भी दी जाती है तथा समय समय पर जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून बनाने की बात सामने आती है। लेकिन मुजफ्फरपुर में सामने आए इस मामले ने स्वास्थ्य विभाग की पोल खोल दी है। उक्त महिला की ओर से प्रधान सचिव स्वास्थ्य विभाग कार्य पालक निर्देश सह सचिव स्वास्थ्य राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार उपनिदेशक परिवार नियोजन राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार एवं प्राथमिक स्वास्थ्य चिकित्सा पदाधिकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मोतीपुर के विरुद्ध परिवाद दाखिल किया गया है, जिस पर आयोग द्वारा सुनवाई करने के पश्चात सभी विपक्षियों के विरुद्ध नोटिस जारी किया गया है और सभी विपक्षियों को आयोग के समक्ष 13 जनवरी 2022 को सदैव उपस्थित होने का आदेश दिया गया है। महिला जो है उसकी ओर से मानवाधिकार अधिवक्ता एसके झा मुकदमा लड़ रहे हैं, जिसके कारण यह मुकदमा और भी दिलचस्प हो गया है। तो लगातार इस तरह की जो खबरें हैं वो बिहार से देखने को मिलती है। इस तरह की चौंकाने वाली खबरें जो है वो सामने आती है, और यही वजह है कि बिहार के मुजफ्फरपुर जिले से एक बार फिर से ऐसी ही चौंकाने वाली खबर सामने आई, जहां पर महिला ने बंध्याकरण करवाया था लेकिन इसके बावजूद वो गर्भवती हो जाती है और वो एक बेटे को जन्म देती है। बता दें कि वो महिला जो है गरीब परिवार से ताल्लुकात रखती है, और यही वजह है कि उसने कोर्ट का सहारा लिया, कोर्ट का जो रुख है वो अपनाया और उसकी तरफ से परिवाद दायर किया जाता है, जिसके बाद उसकी तरफ से 11 लाख जो राशि है वो भी मुआवजा के तौर पर देने की बात कही जाती है। लेकिन फिलहाल इस पूरे मामले पर कार्रवाई की जा रही है, सभी को नोटिस भेज दिया गया है और जवाब जो है वो जो है जल्द ही सभी को देना होगा। इतना ही नहीं, स्वास्थ्य सचिव को भी नोटिस जारी करते हुए जो एक्शन है वो लिया गया है। तो ये बेहद ही चौंकाने वाली खबर इस वक्त बिहार के मुजफ्फरपुर जिले से निकलकर सामने आई है, जहां पर बंध्याकरण करवाने के बावजूद महिला जो है गर्भवती हो जाती है। फिलहाल इतना ही, ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।